राम हमारे बाप हैं और हमारे जो बाप को गाली देगा उसकी हम जबान काट लेंगे। वो सही कह रहे हैं, उनको मंदिर जाना अच्छा ही नहीं लगता है। वो तो चर्च में जाने वाले हैं, वो तो चादर चढ़ाने वाले हैं, वो तो टोपी पहनने वाले, उनको क्या मतलब, वो तो मस्जिद में जाने वाले हैं, उनको तो कहिए, वो तो नमाज पढ़ते रहे, बिल्कुल उनका तो हो गया काम जो होना था। अगर वो ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा अभी एक लंका और बची है। और माननीय मोदी जी एक महीने पहले गए थे, सर्वे का ऑर्डर आ चुका है, जनवरी में सर्वे होना है, 200 से ऊपर अधिकारियों की ड्यूटी सर्वे में लगा दी है। बात रही दूसरी लंका की, 2024 में उसको भी जला दें। काली रात है उनके लिए और हमारे लिए दीपावली का पर्व है, दीपक हम जलाएंगे और उनकी काली रात में उजाला कर देंगे। उनसे कहिए कि सनातनियों से आशीर्वाद लीजिए, सनातनियों का आशीर्वाद है, दीपक जलाकर उजाला करने का कार्य हम करेंगे। और आज हम निमंत्रण देने के लिए अयोध्या में आए हैं राम जी को, कि अब यहाँ तो लंका जल गई, आइए अब वृंदावन में, क्योंकि आप ही तो राम ही तो कृष्ण हैं, कृष्ण ही तो विष्णु हैं, आइए वहाँ के दुष्टों को भी हटा के उनका पलायन करें, हम कहीं पहुँचाएं दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ वो रहने योग्य नहीं है। पूरा भारतवर्ष में जो जो यहाँ है ना, ये टोपी वाले सब अंधेरे में ही रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 22 जनवरी को श्री राम लला जो है वो अयोध्या में पधार रहे हैं, और उससे पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु संत क्या सोच रहे हैं, साधु संत के मन में क्या है और साधु संत कितने उत्साहित हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? संत जी, राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता संजय शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन से। वृंदावन से आप आए हैं। श्री रामलला के जो वहाँ भव्य महल बन रहा है, वो उसका दर्शन कर लिया आपने? रामलला हमारे हृदय में विराजमान है और आज अयोध्या को देख करके ऐसा लग रहा है कि हम सत्य में बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में पहुंच गए, बहुत ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बैकुंठ में बैठे हैं इस समय। अब हमें कहते हैं ना भागवत के माध्यम से, मरने के बाद बैकुंठ मिलता है मृत्यु के बाद, लेकिन हमें तो बैकुंठ मिल गया, हम अयोध्या में, हम आ गए, अयोध्या सज रही है, हमें बैकुंठ मिल गया, अयोध्या सज रही है। अच्छा, एक बात बताइए हमें, अयोध्या तो सज रही है, लेकिन क्या ये जो 500 सालों का संघर्ष रहा है, उसी संघर्ष के बाद मिला है या नहीं मिला है? ये 500 साल का जो बलिदान था सनातनियों का, वो 500 साल से जो बलिदान था सनातनियों का, सनातनियों की मृत्यु हो गई इस बलिदान में, तो उनकी आत्माएं सनातनियों के हृदय में भटक रही थी, पूरे भारत में उनकी आत्माएं भटक रही थी। अब भटक रही थी तो प्रभु राम ने सोचा इनकी मुक्ति कैसे मिले। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गया जी स्नान कराने से प्राणी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये तो गया से ही मुक्ति नहीं मिल रही, इनकी भागवत से ही मुक्ति नहीं मिल रही। तो प्रभु राम ने कही कि अब क्या करना चाहिए, तो प्रभु राम ने अपने रूप में और अपने भक्त हनुमान के रूप में योगी और मोदी को इस पृथ्वी पर, और अवतार में तो अवतार कहूंगा, अवतार दे दिया। अच्छा। और जो भटक रही आत्माओं को, उनको 22 जनवरी को मुक्ति मिल जाएगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति देने के लिए भगवान श्री राम ने मोदी और योगी को भेजा और अब खुद आ रहे हैं। हाँ। ऐसा आपका कहना है? वो देखो, प्रभु राम ने सतयुग त्रेता द्वापर में, हाँ, प्रभु मानव शरीर से उन्होंने अवतार लिया है, विष्णु, हाँ, भगवान ने मानव शरीर से अवतार लिया है, हाँ, हाँ। लेकिन कलयुग में अवतार मानव शरीर से इन्होंने योगी और मोदी ने हनुमान और राम जी के रूप में अवतार दे दिया, और हमारे 500 वर्ष से सनातनियों की जो मेहनत थी, हाँ, उसका प्रयास तो चल ही रहा था सनातनियों का, हाँ, वो आज संपूर्ण हुआ। और मेरे प्रभु राम अपने स्थान पर जब विराजमान होंगे, तो मैं क्या बताऊं, उसका शब्दों में बयान मैं नहीं कर सकता हूं, हाँ, कि पूरा भारत वर्ष आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। अभी जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, वो कैसा लग रहा है देखने में? वो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 20 समुद्र में द्वारकापुरी बसाई थी ना, हाँ, हाँ। तो द्वारकापुरी की रचना जो चल रही थी, हाँ, तो आज समझिए कि हमारी अयोध्या में प्रभु राम के भक्तों के द्वारा रचना चल रही है, और रचना बड़ी सुंदर है। लेकिन कई जो नेता है, जैसे कि आपने कहा कि राम और लक्ष्मण के रूप में मोदी और योगी आए हुए हैं, कई नेता हैं जो उनको कहते हैं कि वो तो झूठे हैं, मक्कार हैं, और जो मंदिर बना है वो मोदी योगी ने तोरी ने बनवाया है, वो तो विपक्ष भी बनवा देता अगर सरकार में होता तो, और मंदिर तो जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ऐसा नेता। मैं बताता हूँ कि ये तो इनको तो मेरी नजर में जो रावण था ना, रावण की मृत्यु करी थी हमारे हनुमान जी ने, हाँ, और राम जी ने, तो उनमें से ये 2-4 पागल बच गए हैं, तो ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, इनके चिल्लाने से हो क्या रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे पागल तो चिल्लाते ही रहते हैं, उनसे असर क्या पड़ता है सनातनियों पे? कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। सरकार 70 साल से थी, जब से कहाँ चले गए थे? सरकार 70 साल से थी, मोदी और योगी तो अभी आए हैं, जब से कहाँ सो रहे थे ये? और बात करी जाए उनकी, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से सत्ता में सरकार नहीं है, बौखला गए हैं,
पागल हो चुके हैं, उनका पागल खाने में इलाज कराने के लिए पैसा हम खर्च कर देंगे, उनको हमारे पास भेजिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए हमें कि जो श्री राम लला का मंदिर बन रहा है उससे साधु संतों में कितनी प्रसन्नता है, क्या है साधु संतों? साधु संतों की अगर प्रसन्नता की बात की जाए तो इतनी प्रसन्नता है कि उनको तो पूछिए मत, दिल गदगद है, दिल गदगद है, दिल गदगद है। अगर उन पागलों की बात करी जाए तो वो तो प्रभु श्री राम को भी गाली दे रहे हैं। जो हमारी आस्था है, राम हमारे बाप हैं, और हमारे जो बाप को गाली देगा उसकी हम जवान काट लेंगे, जवान काट, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जब राम प्रभु आ रहे हैं तो काफी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, पहले के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्रियों को न्योता भेजा गया है, और ऐसे में कुछ नेता ऐसे हैं जो उस न्योता को स्वीकार नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि नहीं हमारे लिए वो कोई जगह नहीं है, बीजेपी ने इतने पैसे लगवा के, श्री राम ट्रस्ट, जन्मभूमि ट्रस्ट ने इतने पैसे लगवा के यहाँ पे फालतू में जो ये पैसे लगाए, इससे अच्छा रोजगार कहीं। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनको मंदिर जाना अच्छा ही नहीं लगता है, वो तो चर्च में जाने वाले हैं, वो तो चादर चढ़ाने वाले हैं, वो तो टोपी पहनने वाले हैं, उनको क्या मतलब, वो तो मस्जिद में जाने वाले हैं, उनको तो कहिए, वो तो नमाज पढ़ते रहे, बिल्कुल उनका तो हो गया काम जो होना था। अगर वो ऐसे ही नमाज पढ़ते रहे, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ऐसा है कि योगी और मोदी की खूब चकाचक सीट आ रही है, और उनसे भी मेरा कहना है भैया अगर आपको स्थिति सुधारनी है, दो चार सीट भारत में चाहिए तो आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ जाओ, नहीं बाकी तो सुपड़ा साफ तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारी, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, लीला ऐसी रची, लीला ऐसी रची तो मजा आ गया। अच्छा। रावण बाहुबली, लंका उसकी जली, लंका ऐसी जलाई, मजा आ गया, लंका जला दी, लंका जल गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक मिनट, इन्होंने कहा कि लंका ऐसी जलाई कि मजा आ गया, तो अब श्री राम प्रभु आ रहे हैं फिर से लंका दहन होगा क्या? नहीं, ऐसा है, तो दहन कर दिया, जो अयोध्या की लंका थी उसका दहन कर दिया, अब बात आती है मथुरा में जो लंका है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, अभी एक लंका और बची है, और माननीय मोदी जी एक महीने पहले गए थे, सर्वे का ऑर्डर आ चुका है, जनवरी में सर्वे होना है, 200 से ऊपर अधिकारियों की ड्यूटी सर्वे में लगा दी है, बात रही दूसरी लंका की, 2024 में उसको भी जला देंगे, और बताएंगे, श्री कृष्ण संघर्ष न्यास से हैं हम लोग, और हमारा संघर्ष चल रहा है 4 बरस से, और आज हम निमंत्रण देने के लिए अयोध्या में आए हैं राम जी को, कि अब यहाँ तो लंका जल गई, आइए अब वृंदावन में, क्योंकि आप ही तो राम ही तो कृष्ण हैं, कृष्ण ही तो विष्णु हैं, आइए अब वहाँ के दुष्टों को भी हटा के उनका पलायन करें, हम कहीं पहुँचाएं दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ वो रहने योग्य नहीं है। अभी आपने बताया था कि ये विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि इस काम को तो हम भी कर देते, भगवान राम जब धनुष को तोड़ने के लिए गए थे ना, तो भगवान राम, आजकल लोग कहते हैं भगवान राम खड़े क्यों नहीं हुए धनुष तोड़ने के लिए, गुरु जी उनके कहते थे कि पहले सबको देख लेने दो, क्योंकि भगवान पहले भी खड़े हो जाते, तो आज जितने दुष्ट पहले थे वो भी कहते इस काम को तो हम भी कर देते, तो सबका बल देखा, जब सबका बल नहीं हुआ तब राम जी से कहा के उठाओ धनुष, इसी प्रकार से 500 बरस से 70 बरस से और देख रहे थे कि नेताओं कितनी ताकत है सब में, जब इनकी ताकत नहीं हुई तो राम जी ने कही बेटा तुम जाओ और इसको कार्य को पूरा करके आओ, तब उन्होंने किया। अच्छा एक बात बताइए, जब नेताओं की बात होती है कि राम मंदिर हम भी बना देते, तुम भी बना देते, तो अब नेता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो आप लोग जो है सो उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे? पहली बात तो नेता की मतलब यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता क्या? उनको तो खुश माना चाहिए राम जी के चरणों में, यहाँ कोई शादी है क्या, कोई पार्टी है क्या, कोई नौते आएगी यहाँ? वो तो कह रहे हैं कि हमें न्योता नहीं भेजा गया, न्योता भेजते तो हम तो नहा धो के बैठे हैं, तुरंत जाएंगे। किसी के शादी दस्तों ने कहा यहाँ क्या, कोई ढोल लगा रहे हैं, भफर चल रहा है यहाँ? यहाँ तो राम का दरबार है, राम के दरबार में तो नंगे पर आना चाहिए, अगर तुम राम के दरबार में आ जाओगे तो तुम्हें खा के जो गंदा खून तुम्हारे अंदर भर गया है ना, वो यहाँ के सियाद निचोड़ जाओ, दोबारा से तुम ठीक हो जाओ। अच्छा देखिए, बात रही राहुल गांधी जी की, तो उनका जो परिवार है वो 70 साल से इस देश पर राज करता हुआ आया है, उनका भी हमें एक दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं, और उनसे भी आग्रह करते हैं कि मोदी जी के बेटे की शादी नहीं है, जो आपको कार्ड वहां भिजवाया जाए और जब आप आओगे। नेताओं को मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर उनको बनाना होगा वो मस्जिद बनाएंगे, उनको बनाना होगा अपना मकान बनाएंगे। अभी केजरीवाल को ढूंढता हुआ दिल्ली सरकार घूम रहा है, केजरीवाल जी कहां हैं आपको पता है? उनको बनाना तो अपना घर बनाएंगे। नेताओं की बात क्या, इनकी औकात क्या, मैं उनकी तो बात नहीं करता। अगर बात करनी है तो सनातन धर्म की करो, बात करनी है तो हिंदुत्व की करो, उसका जवाब मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। मैं नेताओं की बात नहीं करता साहब। योगी मोदी नेता नहीं है, भारत के बेटे हैं, सनातनीय हैं,
हिंदू है, हिंदुत्व की रखवाली करने वाले हैं। हाँ। मैं योगी मोदी की बात करूंगा, नेताओं की बात आपसे नहीं करूंगा। आपने कहा कि योगी मोदी जो है नेता नहीं, भारत के बेटे हैं। हाँ। अब जब राम जन्मभूमि इतना विशाल उनके कार्यकाल में बन रहा है, तो 2024 में एकदम निकट समय में जो है चुनाव भी है, तो कई नेता ये कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि पे वोट मांगोगे तो ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, तुमने विकास कहाँ किया है, उस विकास के नाम पे वोट मांगो, राम जन्मभूमि पे वोट क्यों मांग रहे हैं? विकास हम कराएंगे, हम कोई नेता नहीं, हम एक साधारण ब्राह्मण परिवार से हैं। हाँ। पर हम गिनाएंगे आपको। हाँ। हम गिनाते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। कश्मीर में जाइए। हाँ। रोज घटनाएं होती थी कि आज पत्थर फेंके। हाँ। आज बम फेंके। हाँ। आज दो फौजी मर गए, आज वहां शहीद हो गए, आज यहाँ शहीद हो गए। आज कश्मीर में इतना अमन चैन है कि रात को 11 बजे भी आप बाइक लेके किसी भी रोड पर निकल जाओ, कश्मीर में घूम कर आ जाओ। हाँ, हाँ। पहले आप दिन में निकलते थे तो शाम को पता नहीं आप घर लौटोगे या नहीं लौटोगे, वो कश्मीर की स्थिति। हाँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखोगे आप, बहन बेटियों की जो सुरक्षा व्यवस्था की जो मैं बात मैं आता हूँ। हाँ। बहन बेटियों को रात को 12 बजे कहीं भी खेतों में, खलिहानों में, मकानों में, दुकानों में कहीं भी भेजिए। आज बहन और बेटी सुरक्षित हैं, आप जहाँ भी जाओगे। उत्तर प्रदेश में अमन और शांति है। हाँ। गुंडे ही बिल्कुल खत्म है, कोने कोने पर पुलिस है, प्रशासन है। हाँ। दवा से लेके हाँ। हर चीज की हर तरीके से माननीय योगी जी ने व्यवस्था करी है। बात रही कोरोना काल की, तो कोरोना काल में दो दो तीन तीन बार राशन देकर जो गरीब परिवार उत्तर प्रदेश में थे, पूरे भारत में थे, उन परिवारों को आज बचाने की जो पूरा प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी उस राशन बांटने में ये नहीं था कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है। हाँ। कि सपा का है कि ये बसपा का है। हाँ। या ये केजरीवाल का आदमी है, वो राशन सबने खाया था। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँ, जितने भी यहाँ भक्त हैं विराजमान है, क्योंकि हमारे तो राम मंदिर में सब भक्ति हैं, इनसे पूछिए कि इनको पैसा चाहिए कि ये सुरक्षित रहना चाहते हैं। केवल इनसे ये पूछ लीजिए कि सुरक्षित रहना चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं। ये केवल सुरक्षित रहना चाहते हैं। हमारी बहन बेटी रात को निकल जाए, सुरक्षित हमारे घर में लौट जाए, वो हमारा ही, वही हमारा सनातन धर्म है, वही हमारा भारत है। हमारी बेटी जब 5 बजे के बाद लेट हो जाती तो हम अपने भाई से, अपने भतीजे से, अपने पिताजी से बोलते थे कि आप बैग लेके आओ, देखो हमारी बेटी कहाँ रह गई ये घंटा। अब 2 घंटे लेट हो जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे यूपी के अंदर योगी जी हैं और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे योगी मोदी जी हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं इस बात, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब कोर्ट ने फैसला दिया राम जन्मभूमि का, तो यहाँ भी जो है सो जगह जमीन दी गई और उसके यहाँ से कुछ दूरी पे जो है वो मस्जिद के लिए भी दिया, लेकिन जो कुछ मुस्लिम धर्म गुरु है और नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि जमीन मिलने से कुछ नहीं होगा, आज मोदी योगी की सरकार है तो मंदिर बना लो, कल हमारी सरकार आएगी तो फिर उसी तरीके से हम दोहराएंगे जो 500 साल पहले किया गया। सनातनी जाग चुका है। हाँ। सनातनी जाग चुका था है, किसी के बाप में ये ताकत नहीं है जो कि ये शब्द भौंकते रहेंगे रस्ते में निकलते हैं। हाथी जब जाता है कुत्ते 50 भौंकते हैं, उससे असर क्या पड़ता है? हाथी पे कोई असर थोड़ी ना पड़ता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। और कुत्ते भौंकते भौंकते कुत्ते की मौत कैसे मरते हैं पता है? इससे कोई असर नहीं पड़ता है। इससे सनातनियों पे एक तुच्छ इकबाल की ओर असर नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ इस समय, मेरा एक एक रोंग रोंग एक बाल 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 प्रसन्न है। ऐसे ऐसे दुष्टों का क्या बनता है, बोलते रहे, इससे क्या असर पड़ता है? सपा के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि जो 22 जनवरी का दिन है वो हमारे लिए काले रात के बराबर है, काला दिन है वो, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो टोपी पहनना चाहते हैं, वो मुस्लिम नेता है, वो टोपी पहन के पहुंच जाते हैं मस्जिद में और टोपी लगा के ऐसे मांगते हैं कि हमको भीख दीजिए, हम सनातनियों को परेशान करो, अपना राज चलाएं। वो ये मांगने के लिए मस्जिद में जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं कि वो कहते हैं काली रात। हाँ। काली रात है उनके लिए और हमारे लिए दीपावली का पर्व है। दीपक हम जलाएंगे और उनकी काली रात में उजाला कर देंगे। उनसे कहिए कि सनातनियों से आशीर्वाद लीजिए। सनातनियों का आशीर्वाद है, दीपक जलाकर उजाला करने का कार्य हम करेंगे। दीपक के नीचे, दीपक अगर दीपक जलाओगे तो उसके नीचे अंधेरा रहता है। हाँ। रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। तो ये अंधेरा इन्हीं दुष्टों के लिए है। हाँ, जय श्री राम। जय सर, आपने कहा कि अंधेरा रहेगा, तो ये जो बगल में जगह जमीन दी गई है वो अंधेरा ही रहेगा क्या? ये तो अंधेरे में हमेशा है और हमेशा रहेंगे ये जगह क्या? पूरा भारतवर्ष में जो जो यहाँ है ना, ये टोपी वाले सब अंधेरे में ही रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? कुमार शंकर लाल सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उतरौला के पास एक गांव पे है। हाँ, राम जन्मभूमि का दर्शन करने आए हैं? जी। दर्शन हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी तो पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अरे यहाँ का देख के वातावरण इतना खुश हूँ ना कि पूरा देश खुश है। पूरा देश खुश है, माहौल जबरदस्त है। जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लोग नेता कह रहे हैं कि ऐसा मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, ऐसा है जो देश के अंदर है तो बनाना तो जरूरी है ही है भाई।
ठीक है, देश के अंदर तो बनाना जरूरी है, लोग अपना दर्शन करें आके, लोग और आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु बहुत से लोग हाँ आ रहे हैं, खुश हैं। ठीक है, तो आपने सुना कैसे आम जन से लेके साधु संत जो है वो हुंकार भर रहे हैं, किस तरीके से प्रसन्न है, कैसे जो है अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के बीच में, और मीडिया के थ्रू, फेसबुक यूट्यूब के थ्रू जो है लोगों तक जो है जो भी साधु संतों की बात आपको पहुंच रही है उसको सुन के आपका क्या कहना है, उनको सुन के आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अयोध्या जन्मभूमि के लिए आप ज़रूर आइए, यहाँ देखिए, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं, वो आके ज़रूर देखें कि नेताओं के बात में कितनी सच्चाई होती है और नहीं होती है। हम आगे और भी लोगों से, साधु और भी साधु संतों से बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।